हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स के शेयर एंड कोलैबोरेट वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लैपटॉप में अपने फ्रेंड्स या कोलिग्स के साथ गूगल डॉक्स को शेयर करना सीखेंगे एंड उनके साथ मिलकर इस डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करें वो भी सीखेंगे। लैपटॉप में गूगल डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए टॉप राइट में आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आपको फाइल टैब पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे भी शेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ शेयर विद अदर्स पे क्लिक करना है। इससे एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, टॉप में उस डॉक्यूमेंट का नाम दिखेगा जिसको आप शेयर कर रहे हो, फिर आपको ऐड पीपल एंड ग्रुप्स का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आप अपने कोलिग्स या फ्रेंड की मेल आईडी डाल के उनको ऐड कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे महेश को ऐड कर देता हूँ। एंड डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले इस बॉक्स में जो भी ऑप्शन है उनको चेक जरूर करें। जैसे टॉप राइट में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला है एडिटर कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, मतलब जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो वो इस डॉक्यूमेंट की परमिशन चेंज कर सकता है एंड दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। अगर आप ये नहीं चाहते तो इस बॉक्स को अनचेक कर दो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है व्यूअर्स एंड कमेंटर्स कैन सी दी ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी, मतलब जो इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ देख रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं उनको भी डाउनलोड प्रिंट या कॉपी के ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो टिक मार्क को इनेबल रखो, नहीं तो इसको डिसेबल कर दो। लेट से हम इसको इनेबल ही रखेंगे। हम बैक एरो पे क्लिक करके उस अलर्ट बॉक्स पे फिर से आ जाते हैं। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स है नोटिफाई पीपल, मतलब जिनके साथ भी आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करोगे उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर ये इनेबल है तो उनको नोटिफिकेशन जाएगा, अगर ये इनेबल नहीं है तो उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अभी के लिए हम इसको इनेबल ही कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, मतलब ये डॉक्यूमेंट आप जिनके साथ भी शेयर कर रहे हो उनको व्यूअर रखना है या सिर्फ कमेंट करने का ऑप्शन देना है या एडिटर भी बनाना है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। लेट से मैं इसको एडिटर ही बना देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे मैसेज ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा, मतलब जैसे ही आप गूगल डॉक्यूमेंट शेयर करोगे उनको नोटिफिकेशन आएगा तो उनको आपका मैसेज भी मिल जाएगा। तो लेट से मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, प्लीज एडिट, तो यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप अपने फ्रेंड को ये मैसेज कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए भी आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो। एंड जैसे ही अलर्ट बॉक्स में सेटिंग कंप्लीट हो जाए आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है, इससे आपके फ्रेंड को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसी ने उनके साथ सैंपल डॉक्यूमेंट शेयर किया है। आपको अलर्ट बॉक्स में एक ऑप्शन और मिलेगा, अभी के लिए मैं इस मैसेज के ई को हटा देता हूँ, तो क्लोज पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपको एक नीचे ड्रॉप डाउन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्टेड एनीवन विद द लिंक, तो अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन विद द लिंक, मतलब अगर ये रिस्ट्रिक्टेड है तो जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो बस वही इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया एनीवन विद द लिंक, मतलब किसी के साथ भी अगर लिंक है तो वो इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है। एंड यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन भी दिखेगा, व्यूअर या फिर कमेंटर या एडिटर। एडिटर करना सेफ नहीं है, मतलब जिसके साथ भी लिंक है वो इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है। मोस्टली अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो लोग यहाँ व्यूअर का ऑप्शन ही रखते हैं, मतलब अगर ये लिंक मैं किसी के साथ भी शेयर करूंगा तो वो इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, बट अगर यहाँ सिर्फ व्यूअर का ऑप्शन है तो इसमें कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। ऑलराइट, अभी के लिए हम इसको फिर से रिस्ट्रिक्टेड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे फिर से महेश को ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे महेश है इस डॉक्यूमेंट का एडिटर होगा और हमें इस सेंड बटन पे क्लिक करना है। तो हमने ये गूगल डॉक्यूमेंट महेश के साथ शेयर कर दिया है। इसको कन्फर्म करने के लिए हम फिर से शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे पीपल विथ एक्सेस में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ऑनर है जो मैं हूँ, उसके बाद नीचे महेश का ऑप्शन दिख रहा है तो वो एडिटर है। यहाँ पे अगर नए लोगों को ऐड करना है तो यहाँ पे उनकी मेल आईडी डालना है, फिर उनकी जो भी परमिशन है वो सेट करके आपको डन पे क्लिक करना है। अभी ये डॉक्यूमेंट मैंने दोनों अकाउंट से ओपन कर रखा है, तो लेफ्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो नॉलेज वाले अकाउंट से है और राइट वाला डॉक्यूमेंट महेश वाले अकाउंट से है। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट में यहाँ नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट को महेश भी एडिट कर रहा है एंड महेश यहाँ पे कुछ भी एडिट करेगा। लेट से मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, हेलो नॉलेज, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि महेश कुछ एडिट कर रहा है। आपको यहाँ राइट में एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसका नाम है एडिटिंग मोड। इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, एडिटिंग, सजेस्टिंग एंड व्यूइंग। एंड यहाँ क्योंकि महेश को एडिटर बनाया हुआ है तो इसीलिए उसको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर उसको सिर्फ कमेंटेटर बनाते तो उसको दो ही ऑप्शन दिखते, सजेस्टिंग एंड व्यूइंग। एडिटिंग का ऑप्शन है वो ब्लर रहता। अगर सिर्फ उसको व्यूअर बनाते तो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन ब्लर रहते, उसको सिर्फ व्यूइंग का ऑप्शन ही दिखता। नाउ लेट से महेश को कुछ एडिट नहीं करना है, उसको सिर्फ सजेस्ट करना है, तो उसको यहाँ सजेस्टिंग वाले ऑप्शन पे आना है। एंड लेट से यहाँ पे वो कुछ भी टाइप करेगा, वेन इज द डेडलाइन एंड क्वेश्चन मार्क। एंड जब नॉलेज इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहा होगा तो उसको यहाँ पे ये हाइलाइटेड टेक्स्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करते ही उसको पता चल जाएगा कि महेश ने यहाँ पे कुछ सजेस्ट किया है, मतलब एडिट नहीं किया है, महेश जस्ट सजेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ टिक मार्क पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको मैं फिर से अंडू करता हूँ, या फिर क्रॉस पे क्लिक करके इसको हटा सकते हो। फिर से अंडू करूंगा,
या फिर आप यहाँ नीचे इसको रिप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप चाहो कि आपको इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ देखना है, इसमें कुछ भी सजेस्ट नहीं करना, कुछ भी एडिट नहीं करना, तो आपको पेंसिल वाले आइकन पे आके फिर यहाँ पे व्यूइंग पे क्लिक करना है। तो अब इस डॉक्यूमेंट को आप सिर्फ देखोगे, मतलब कोई दूसरा चेंज करेगा तो आपको यहाँ दिखेगा, बट आप अपनी साइड से कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। एडिट करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे आके एडिटिंग या सजेस्टिंग पे क्लिक करना है। तो ये सब ऑप्शंस थे कि कैसे आप लैपटॉप में गूगल डॉक्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो और कोलैबोरेटिवली एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट, हम गूगल डॉक्स के मोबाइल ऐप में डॉक्यूमेंट को दूसरों के साथ शेयर करना सीखेंगे। गूगल डॉक्स के मोबाइल ऐप में एकदम टॉप में आपको शेयर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे टॉप में ही ऐड पीपल और ग्रुप्स का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी मेल आईडी ऐड करके दूसरे लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे कुछ मेल आईडी टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं संदीप सिंह को ऐड करूंगा। तो नीचे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको इसको एडिटर रखना है या व्यूअर रखना है या कमेंटर। लेट से हम इसको व्यूअर रख देते हैं। एंड उसके बाद नीचे आपको मैसेज ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ सेंड का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आप इसको सेंड कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए हम फिर से शेयर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको मैनेज एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है और आपको तीन अलग अलग प्रोफाइल्स दिख रही है, के, एम एंड एस। तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है वो किस किस के साथ शेयर है और किसकी क्या परमिशन दी हुई है। जैसे महेश है वो एडिटर है, संदीप है वो व्यूअर है, तो आप किसी पे भी क्लिक करके उसका परमिशन है वो चेंज कर सकते हो या उसको इस डॉक्यूमेंट से हटा भी सकते हो। तो लेट से यहाँ पे संदीप सिंह है, उसको हम कमेंटर बना देते हैं। तो अब संदीप सिंह भी इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमेंट या सजेस्ट कर सकता है, बट इस डॉक्यूमेंट में वो डायरेक्टली कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। उसके बाद नीचे आपको जनरल एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है एंड राइट साइड में एक लिंक दिख रहा है। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इससे इस डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी हो जाएगा एंड आप किसी के साथ भी इस लिंक को शेयर कर सकते हो। बट अभी के लिए ये तीन लोग इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको रिस्ट्रिक्टेड करके ऑप्शन दिख रहा है, मतलब जिन लोगों के साथ शेयर है बस वो लोग इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस परमिशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको चेंज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो एरो है उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करके ये लिंक किसी के साथ भी शेयर करोगे तो वो इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। एंड नीचे ऑप्शन दिखेगा व्यूअर, मतलब वो सिर्फ देख ही सकता है डॉक्यूमेंट को, बट यहाँ पे भी आप परमिशन चेंज कर सकते हो, मतलब कोई भी इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमेंट कर सकता है तो उनको कमेंटर बना दो, या अगर आप चाहो कि कोई भी इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर दे तो यहाँ पे एडिटर भी बना सकते हो। बट ये रिस्की ऑप्शन है, तो मोस्टली अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर करते हो तो उनको व्यूअर ही बनाना चाहिए। तो बेसिकली गूगल डॉक्स के मोबाइल ऐप में भी डॉक्यूमेंट को दूसरों के साथ शेयर करना काफी ईजी है। मोबाइल में भी आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने के वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो लैपटॉप में मिले थे। आई होप गूगल डॉक्स को शेयर करने और परमिशंस को एडिट करने के सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।